मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्कूल भी जा रहे हैं, पर साथ साथ में जिस दिन आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आप उस दिन वीडियो देखिए। इसीलिए वीडियो बनाए जा रहे हैं ताकि जिस भी दिन आप स्कूल ना जा पाए, आपकी पढ़ाई रुके नहीं और पढ़ाई चलती रहे। तो हम लोग बुक्स पढ़ रहे थे, साथ साथ में मैं कुछ और भी स्किल्स करवा रही थी। आज हम बुक नंबर 2 जो है आपकी पनोरमा, उसका चैप्टर नंबर 4 करेंगे। 3 चैप्टर मैं पहले करवा चुकी हूँ और जो कि आपके कोर्स में है, कटे नहीं है। द टाइगर किंग, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, द गिटार एंड स्वयंवर, ये 4 हम कर चुके हैं। 4th है ड्रॉट यानी कि सूखा। अब इस कहानी में एक मार्मिक दृश्य बताया गया है कि सूखे के दौरान इंसानों की जिंदगी कैसी हो जाती है। और स्पेशली ये जो स्टोरी है, ये शरद चंद्र चैटर्जी, एक फेमस बंगाली राइटर, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, उनके द्वारा लिखी गई है। और ये जो है लेखक शरद चंद्र चैटर्जी, ये बंगाल के हैं। तो बंगाली जो सामाजिक जीवन है 20वीं शताब्दी के शुरुआती समय का, उनका गरीबी, लोगों की गरीबी, उनके सामाजिक स्तर, उनकी सोच, इस चीज को डिपेक्ट करते हैं, इस चीज के बारे में वो लिखते हैं। ओके, वी स्टार्ट द चैप्टर। मैंने अबाउट द राइटर आपको समझा दिया, फिर भी एक बार रीड आउट कर लेती हूँ। शरद चंद्र चैटर्जी वॉज अ प्रोमिनेंट बंगाली नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स डील विद द लाइफ स्टाइल ट्रेजेडी स्ट्रगल ऑफ विलेज पीपल एंड द कॉन्टेम्पररी सोशल प्रैक्टिस दैट प्रिवेल्ड इन बंगाल। आते हैं जो चैप्टर है वो काशीपुर नाम के एक गांव की कहानी है। वहां पर एक गरीब इंसान है, उसकी जिंदगी को इसमें दिखाया गया है कि कैसा उसका घर है, कैसी उसकी स्थिति और उसके साथ क्या क्या गुजरता है। द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर, इट वॉज अ स्मॉल विलेज, इट्स जमींदार वॉज स्मॉलर स्टिल। पहले जमींदारी सिस्टम था, बड़ी जगहों के बड़े जमींदार, छोटी जगहों में भी जमींदार, पर वो उनसे पद में छोटे। पर जो शब्द है जमींदार, वही अपने आप में इतना बड़ा था कि गांव का कोई भी व्यक्ति जमींदार के किसी भी एक्शन के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। यट हिज टेनेंट्स डेयर नॉट स्टैंड अप टू हिम, कि जमींदार चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी जो जनता थी या उसके गांव वाले जो थे, टेनेंट्स थे, उनके किसान जो थे, उसके सामने खड़े होके बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे कि वो सो रूथलेस, और इसीलिए वो इतना कठोर था। इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन। अब जो घटना है वो उस दिन की है जिस दिन जमींदार के सबसे छोटे बेटे का बर्थडे था। इट वॉज नून, दोपहर हो गई थी। तारक रत्न द प्रीस्ट, अब गांव का जो पुजारी है, प्रीस्ट, उसका नाम है तारक रत्न, वॉज इन ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स। जमींदार ने पुजारी को बुलाया था कि बच्चे का बर्थडे है तो इस दिन पूजा पाठ और हवन किया जाए। तो वो हवन करके दोपहर में जो सामग्री का झूला बन के मिली उसको, जमींदार के घर से पूजा वगैरह के बदले में वो लेके जा रहा था। दोपहर हो चुकी थी पूजा करते करते। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मे, और जो समय है मई का, अंत का समय है, थोड़े थोड़े बादल हो जाना शुरू हो जाते थे। बट नॉट अ पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई, लेकिन बादलों का कहीं हल्का फुल्का पैच भी आकाश में नजर नहीं आ रहा था। बहुत तेज गर्मी और तेज धूप थी। द रेनलेस परमामेंट पोर्ड फायर, मतलब बिना बरसात का जो मौसम था, गर्म एकदम, आग बरसा रहा था। द फील्ड इन फ्रंट, सामने जो खेत है, स्ट्रेचिंग आउट टू द होराइजन, होराइजन यानी कि क्षितिज, क्षितिज वो जगह होती है जहां जमीन और आकाश हमें मिलते दिखते हैं। हम दूर देखते हैं तो एक ऐसी जगह नजर आती जहां एक लाइन की तरह जमीन है और उससे आकाश मिल रहा है। तो यहां ये कि खेत बिल्कुल खाली पड़े हैं, हरियाली नाम की, पेड़ पौधे नाम की कोई जगह नहीं है, घास नहीं है, और पूरा खेत ऐसा लग रहा है जैसे एक ही खेत है और क्षितिज तक वहां तक गया हुआ है।
होगा ना इंटू टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फिशर्स इन द ब्लेजिंग ब्लेड इन द बर्निंग ब्लेड ब्लेज एंड इट लुक्ड एज दो द लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ वॉज अनसीजिंगली फ्लोइंग आउट फ्रॉम थ्रू देम एज स्मोक. अब पूरे दूर दूर तक घास नहीं है, हरियाली नहीं है, जगह जगह घास के तिनके हैं. जो फसल कटी उसके बाद जो हिस्सा बच जाता है छोटा छोटा, वो उनमें कहीं कहीं रह रहे कि गर्मी की वजह से ऑटोमेटिकली आग लग जाती है इतनी तेज गर्मी में घास में. तो वो धीरे धीरे जो धुआं निकल रहा है, ऐसा लग रहा था कि मदर अर्थ यानी धरती माँ के सीने से आंसू बह रहे हैं, खून बह रहा है, जो कि धुएं का रूप ले रहा था. वन इफ वन गेज्ड लॉन्ग एज इट्स राइजिंग फ्लेम लाइक सिनोनिमस मूवमेंट इट लेफ्ट हिम एज इट वर डेज विद ड्रंकननेस. अगर कोई इंसान देर तक पृथ्वी देखे तो सर चकरा जाए, जैसे कि कोई नशा किया हुआ हो इतना सर चकरा जाए. एट द एंड ऑफ द फील्ड बिसाइड द रोड, अब वापस वो कहानी में आते हैं, एंड द एंड ऑफ द फील्ड जहां खेत खत्म हो रहा है रोड के किनारे, देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर द वीवर, वीवर जुलाहा. तो गफूर नाम के जुलाहे का घर था. नाउ दैट द मड वॉल्स वर इन रुइंस, उसके घर की जो मिट्टी की दीवारें थी लगभग खंडहर हो चुकी थी, बिखर चुकी थी. द कोर्ट यार्ड टच द पब्लिक हाईवे, हर घर के बाहर एक आता होता, मतलब मेन डोर के अंदर का जो खुला मैदान बरामदा टाइप होता है, दीवारें गिर गई तो बरामदा सीधा रोड तक, मतलब इतना ओपन कि कोई राहगीर चलता फिरता उसके घर में नजर मार दे कि अंदर क्या हो रहा है. एंड द इनर प्रिवेसी ऑफ वॉज थ्रोन ऑन टू द मर्सी ऑफ द पासर बाय, और घर की प्रिवेसी जो राहगीर होता था उस पे कि वो देखे या ना देखे ये उसकी इच्छा, ओपन है सब, आने जाने वाले सब कुछ सब देख सकते थे, बस नहीं देखे तो ये राहगीर की इच्छा है कि वो सीधा निकल जाए, इधर पलट के ना देखे. हे गफूर इन दिस इज एनीबडी इन, तो तारक रत्न बाहर से बोला, कॉल्ड आउट तारक रत्न, कोई है घर के अंदर गफूर? आंसर्ड स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री बाय द रोड साइड, रोड के किनारे एक पेड़ था सूखा था हल्की सी छाया, वही उसके नीचे खड़ा होके वो बोले अरे कोई है अंदर घर के अंदर गफूर? तो व्हाट डू यू वांट, फादर इज डाउन विद फियर फीवर, आंसर्ड गफूर्स टेन लिटिल डॉटर एज्ड 10 अपेयरिंग एट द डोर, दरवाजे पे एक छोटी सी 10 साल की बच्ची गफूर की बेटी आई कि कौन है क्या चाहिए, पिताजी तो बुखार से बीमार है, फीवर कॉल द स्काउंडरल, तारक रत्न शाउटेड, तारक रत्न चिल्लाया बुलाओ उस बेवकूफ को, स्काउंडरल एक गाली कि बुलाओ उसको, पर उसने गाली दी, बुखार नाटक करता है. द नॉइज ब्रॉट गफूर आउट शिवरिंग विद फीवर, शिवरिंग कांपते हुए, जैसे ही उसने तारक रत्न की आवाज सुनी चिल्लाते हुए तो वो उठ के बाहर आया और बुखार के मारे कांप रहा था. अ बुल वॉज टाइड ऑन द ओल्ड एकेशिया दैट लीन अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, अब घर के जाता था, घरों में पहले क्या होता था उनके अपने पालतू जानवर होते थे और जानवरों को घर के साइड की दीवार में एक छपरा बना के बांध दिया जाता था, अभी भी एक बुल उसी टूटे फूटे छपरे के साइड अंदर खड़ा था नीचे. What do I see there? Demanded तारक रत्न indicating the bull. Bull की तरफ इशारा करके बोले मैं ये क्या देख रहा हूँ? Do you realize that the landlord will not tolerate this? कि मालिक ये सहन नहीं करेंगे? जमींदार का दिया हुआ बुल था वो, कि तुझे समझ में आती है जमींदार ये सब, मालिक जो है वो सहन नहीं करेंगे. His face was crimson. Crimson मतलब लाल. With indignation and the heat of the sun. वो एकदम गुस्से और गर्मी से चेहरा तारक रत्न का लाल हो चुका था. इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड दैट हिज वर्ड शुड बी हॉट एंड हार्श, इधर गफूर का चेहरा भी लाल हो चुका था गर्मी और बुखार के मारे, तो ये क्वाइट पॉसिबल था कि उसके शब्दों में तलखी आए, तेजी और गर्मी आए, बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम, क्योंकि गफूर बोला नहीं, देखता रहा. इधर तारक रत्न के शब्द जितना चेहरा उसका गर्मी की वजह से,
और गुस्से से था, वैसे ही गर्व उसके शब्द थे कठोर। अब दोनों का नेचर अलग अलग है, वो गुस्से में था और गफूर की स्थिति ये नहीं थी कि वो गुस्सा शो करे, वो चुपचाप उसको तरफ देखता रहा। अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स, बेचारा वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या बोलू, उसके शब्दों को इम्पोर्ट मतलब लू कैसे समझू, बस वो देख रहा है उसको। वेल सेड तारक रत्न, आई सॉ इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग एंड स्टिल इट इज स्टिल देयर, कि मैं जब सुबह यहां से गया तब भी यही खड़ा था और अभी भी ऐसे यही बंधा हुआ है। इफ द बुल डाइज योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव, कि अगर बुल ये मर गया तो मालिक तुझे जिंदा जला देंगे, मतलब वो जमींदार का डर बता रहा है कि अगर ये मर गया ना मालिक तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जला देंगे तुझे, मार डालेंगे। व्हाट शुड आई डू फादर, कि मालिक मैं क्या करूं, आई एम हेल्पलेस। अब कफूर बोला कि मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, आई हैव हैड फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज, कि पिछले कुछ दिनों से मुझे बुखार आ रहा है। इफ एंड आई कांट टेक इट आउट टू ग्रेस, ग्रेस मतलब चराने, कि मैं इसको बाहर नहीं चराने भी नहीं ले जा सकता। आई फील सो इल, कि मैं मुझे बहुत बीमार सा महसूस हो रहा है, मैं इसको कहीं लेके नहीं जा सकता हूँ। कांट यू लेट हिम ग्रेस बाय हिमसेल्फ, कि तू इसको खुला नहीं छोड़ सकता चरने के लिए। वेयर शैल आई लेट हिम गो, मालिक मैं इसको कहां भेजू। पीपल हैवंट थ्रेश्ड देयर पेडी येट, कि लोगों ने धान काटा लेकिन अभी उसको अनाज निकाला नहीं है। इट इज स्टिल लाइंग इन द फील्ड्स, की खेतों में ढेरियां पड़ी है। द स्ट्रॉ हैजंट बीन गैदर्ड, यहां तक कि धान कटने के बाद जो पीछे चारा बचता है वो भी लोगों ने वहां से इकट्ठा नहीं किया है, वो भी वही ढेरियों में पड़ा है। एवरीथिंग इज बर्न टू सिंडर्स, कि सब कुछ बाकी सब कुछ जल गया क्योंकि गर्मी इतनी हो गई थी। देर इज अ ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, कि कहीं घास का तिनका भी नजर नहीं आ रहा, ब्लेड यहाँ पे तिनका, कि घास का कहीं तिनका भी नहीं है। हाउ केन आई लेट हिम लूज फादर, कि मालिक मैं इसको खुला कैसे छोड़ू, और कहीं घास नहीं है, लोगों का अनाज खेतों में पड़ा है, अनाज थ्रेशर से निकालते थे कि उन्होंने अनाज निकाला नहीं, जैसे काटा वैसे पड़ा है, चारा इकट्ठा नहीं किया गया है। He might start poking his nose into somebody's paddy or eating somebody's straw. इसको खुला छोड़ दिया, या तो ये किसी के धान में मुंह मारेगा या किसी के घर का चारा खा जाएगा, मैं इसको खुला कैसे छोड़ू। तारक रत्न सॉफ्ट अंडर लिटल, अब तारक रत्न थोड़ा सा नरम पड़ा, उसने स्थिति भांप ली कि ऐसे तो सही बात है, कल को किसी के घर में चारे में मुंह डाल दे अनाज में तो लड़ जाएगी कि तूने अपने बैल को संभाला नहीं। बट यू कैन एटलीस्ट टाई हिम इन शेड समवेयर, कि अरे कम से कम इसको बेचारे को कहीं छाया में तो बांध। एंड गिव हिम अ बंडल ऑफ स्ट्रॉ और टू मंच, की इसको मंच यानी चबा, किसको चबाने के जुगाली के लिए कुछ मुट्ठी भर के घास के तिनके ही डाल दे, कुछ तो खाएगा बेचारा। हैजंट योर डॉटर कुक्ड राइस, की अभी तेरी बेटी ने चावल नहीं बनाया। एक्चुअली पहले चावल कुकर नहीं थे तो सीटी नहीं बजती थी, वो ओपन बनाए जाते थे बर्तन में और उसके ऊपर का पानी निकाल के जानवरों को दिया जाता था। व्हाई नॉट गिव हिम अ टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, कि उबला हुआ पानी दे दो चावल का कम से कम, लेट हिम ड्रिंक इट, कि इतना तो पिएगा। तो इस तरीके से वहां जो है वो सूखे की स्थिति है कि कहीं कुछ नहीं बचा और बैल भी भूखा प्यासा खड़ा और जो मालिक है वो भी ऐसे ही। ओके बच्चों, इससे आगे का हम कल कंटिन्यू